हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में यह आपका प्रश्न नंबर पाँच है। और शेष वीडियो को नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको दे दिया गया जाकर देख सकते हैं स्टार्ट कर लेते हैं इसमें आपको ध्यान देना होगा ये कि आपको सदिश घटक आपका दिया गया है आपको सदिश मान निकालना है कि सदिश मान में आपका क्या बनेगा मान इसमें से पहले आपको दिया गया है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दिया गया है और क्या दिया है अंतिम बिंदु दिया गया है तो कह रहा है कि इस सदिश के अधिस घटक एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए तो ध्यान दीजिएगा सदिश घटक और अधिस घटक क्या होता है सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं कि जब बिंदु दिया रहता है तो उसके लिए सदिश मान कैसे निकालते हैं पहले समझिए यह आपका यदि आपका तीन बिंदु दिया है यक्स वाई और क्या जेड ठीक है या ऐसे आप कह सकते हैं कि यदि तीन बिंदु दिया हो मान लेते हैं वह बिंदु है यक्स वन वाई वन और क्या जेड वन दूसरा बिंदु दिया है एक्स टू वाई टू और क्या जेड टू ठीक है यदि आपका ये दो बिंदु दिया गया है और उसमें तीन तीन यदि मान दिए गए हैं तो इसके लिए सदिश घटक जैसे मान लीजिए यह हो गया ये क्या हो गया बी तो इसका यदि ठीक है फॉर्मूला बनेगा एक्स टू माइनस यक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस क्या जेड वन के कैप ठीक है दोस्तों तो ये घबराने की बात नहीं है आपका ये जो बिंदु दिया गया इसी बिंदु से हम लोग इसी फॉर्म पे हम लोग निकाल लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई दे रहा है कि एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु तो लिखेंगे कि माना ये तो दिया गया है तो मान लेंगे माना सदिश का प्रारंभिक बिंदु लिखेंगे प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु प्रारंभिक बिंदु आपका दिया गया है दो काम कितना एक और अंतिम बिंदु क्या दिया है और अंतिम बिंदु अंतिम बिंदु आपका क्या दिया गया है अंतिम बिंदु माइनस पांच और कितना दिया है दोस्तों सात तो पहले निकालेंगे सदिश मान लेते हैं यह प्रारंभिक बिंदु आपका ये था और यह प्रांतिम बिंदु क्या था बी तो लिखेंगे कि अंतिम और प्रारंभिक बिंदु का यदि सदिश निकालते हैं तो हम लोग कैसे लिखेंगे वेक्टर ab बराबर आपका हो जाएगा फार्मूला बनता है x2 x1 या आप जो है डायरेक्ट भी रख सकते हैं एक ही बार मान भी रख सकते हैं y2 क्या y1 j कैप लेकिन दोस्तों देखिए इसमें दो ही मान दिया गया है ना यदि तीसरा मान होता तो z2 z में z1 में चला जाता ठीक है चलिए तो ये आपका हो जाएगा x2 कितना है -5 x1 कितना है 2 ठीक है और प्लस i कैप कर लीजिए ठीक है Y2 कितना है ध्यान दीजिए सेवन है और X वाई Y1 कितना है माइनस क्या है सॉरी माइनस वन हो जाएगा ये आप समझ में नहीं आते है, X1, Y1 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा X2 और क्या Y2। क्लियर हो रहा है अब ये आपका हो जाएगा क्या जेड कैप तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर आपका फाइंड हो चुका है ए बी क्या फाइंड हो चुका है ए बी इजिकल टू हो जाएगा पांच और दो सात हुआ आई कैप प्लस यह हो जाएगा क्या छः जे कैप ठीक है तो यहां से हम लोग तो इतना क्लियर कर हैं लेकिन कह रहा है कि सदी के यानी जो सदीश आपका दिया गया उसका अधिस घटक और क्या सदी घटक निकालना है तो पहले लिखेंगे ए एबी का ठीक है अधिस घटक अधिस घटक तो वेक्टर एबी का अधिस घटक क्या क्या है पहले वो देख लीजिए तो वेक्टर ए बी का अधिस घटक का मतलब क्या हुआ समझिएगा यदि हम लोग आई कैप और जे कैप या के कैप यानी उनको हटा देते हैं और सिर्फ उनके गुणांकों को रखते हैं तो वह आपका होता है अधिस घटक यदि हम लोग सिर्फ उनके गुणांकों को लेते हैं तो वह अधिस घटक हो जाएगा तो आई कैप का कितना है माइनस सेवन हो जाएगा और क्या हो जाएगा सिक्स यहां से फिर लिखेंगे वेक्टर ए बी का ठीक है सदिश घटक आ जाओ भाई सदिश घटक ठीक है तो सदिश घटक बराबर क्या हो जाएगा तो सदिश घटक में अब आपका आई कैप जे कैप साथ में आएगा उसके साथ गुणांक भी रहेगा ठीक है तो यह हो जाएगा माइनस सेवन आई कैप और क्या है सिक्स जे कैप क्लियर हुआ तो यह रहा आपका क्या आंसर तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिएगा चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न नंबर सात को